नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जब से मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 की बंदिशों से आजाद किया है और राज्य के पुनर्गठन विधेयक को पास किया है, तब से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है जो पूरी तरह बौखलाया हुआ है। आए दिन अजीबोगरीब फैसले ले रहा है और धमकियों पर धमकियां दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक बार फिर देश का हीरो तैयार हो गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की, जो कि अब उन्हें पूरी तरह से फिटनेस टेस्ट उन्होंने पास कर लिया है और ऐसे में अब वो इंडियन एयरफोर्स से जुड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। बेंगलुरु में मौजूद इंस्टीट्यूट ऑफ एयरस्पेस मेडिसिन ने अभिनंदन को उड़ान भरने के लिए फिट घोषित कर दिया है और अब जो कि उन्हें ये मेडिकल टेस्ट उन्होंने पास कर दिया, एक तरह से हेल्थ टेस्ट मान लीजिए, और अब वो एक बार फिर आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें एक कोर्स भी करना पड़ेगा जिसके बाद वो वायुसेना से जुड़ जाएंगे। उनके साहस और अभय, जिस तरह से उन्होंने दुश्मनों के घर में घुसकर जो साहस दिखाया, उसके चलते कहा जा रहा है कि उन्हें वीर चक्र से भी सम्मानित किया जा सकता है। अगर हम पेजों को पलटे तो आपको बता दें कि पुलवामा हमले का जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कहें या फिर आतंकियों ने दर्द दिया था, तो उसमें देश के 40 जवान शहीद हो गए थे और उसके उलट इसके बाद 18 दिनों के अंदर अंदर भारत ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, जिसमें देश के जवानों ने बालाकोट यानी कि पाकिस्तान की सरहद में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी भारत की सरहद में अपने लड़ाकू विमान भेजने की गुस्ताखी की और जिन्हें खदेड़ते खदेड़ते यही विंग कमांडर अभिनंदन है जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था, बल्कि विमानों को खदेड़ते खदेड़ते पाकिस्तान जा पहुंचे थे। और तब मोदी सरकार की ये कूटनीति ही थी जिसके चलते 60 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान को विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को वापस भेजना पड़ा। तो पूरी तरह से, और फिलहाल हम आपको ये बात बताते जाते जाते कि जिस वक्त पुलवामा का जब हमला हुआ था, उस वक्त श्रीनगर एयरबेस में विंग कमांडर अभिनंदन की तैनाती थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान लड़ाकू विमानों को खदेड़ा था और ऐसे में उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें घाटी से दूर रखा गया और इस वक्त वो राजस्थान के फ्रंट लाइन बेस पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है जो कि इन दिनों जो हालात भारत और पाकिस्तान के बीच बने हुए हैं, ऐसे में अगर मौके पे चौका मारना हो तो उसके लिए विंग कमांडर यानी कि हमारे देश के विंग कमांडर अभिनंदन तैयार हैं। सो आई कॉल अपॉन श्री अमित शाह टू मूव फॉर न्यू टू इंट्रोड्यूस जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन सेकंड अमेंडमेंट बिल प्लीज। आई हैव ऑलरेडी स्टडीड। सभापति महोदय, और दूसरी पार्टियों के लीडर्स सभी हाउस अरेस्ट थे और पूरे स्टेट में एक ऐसा वातावरण जैसे वॉर सिचुएशन है, उसको सबसे पहले उस पे चर्चा करनी चाहिए। ये बिल के साथ पास करेंगे, तीन बिल सारे बिल को हम पास करेंगे, तीन बिल सारे चर्चा करेंगे, एक रेजोल्यूशन भी आ रहे हैं, ये सभी विषय जो ये सभी विषय उसके साथ की नोटिस हमने दी है, चर्चा कर सकते हैं। सभापति महोदय, मेरा ये कहना है, सभापति महोदय, मेरा ये कहना है, सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर के लिए जो कुछ भी चर्चा करनी हो, विपक्ष के नेता को और समूचे विपक्ष को और सत्ताधारी पार्टी के लोग सब पर मैं तैयार हूँ, सब चीजों का मैं जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ और डिटेल आप न हो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं जो नो डिस्प्ले ऑफ बैनर प्लीज। गुलाम नबी जी सुनिए, बोथ ऑफ यूर important members, you can protest, sir, that is not the way. Maniye Gripathri ji,
Mr. Singh, 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 Mr
What is the rule? Sir, point of order. Everything will come for discussion. But what can I do? You are all friends. Sir, my point of order is on Rule 69. Sir, Rule 69 allows the chairman to use his discretionary power to introduce a bill on the same day without circulating it, without members reading it. It allows you the power, sir. It allows you the power. I have no quibble on that. Sir, my simple point is, sir, but the rest of the 69, 1, 2, 3, 4, and the first four lines, sir, on that I appeal to you, sir, to please, when these bills are circulated, please allow us the time to read these bills, to understand these bills. For example, this is a good bill. Right. But when we are not given the time, sir, I appeal to you. You have the power to circumvent all. But we feel deprived, sir. I got your point. I respond. Thank you, sir. I got your point. There is a reason. I do admit that members need time to read it. So even after the minister introduced the bill, the members will be given an opportunity to give amendments up to 12:30 today. Any member on any bill, they can give amendments. Then there will be also time available to you even to study also before you speak. That arrangement has been made, and I'm saying it officially, it will go on record. Members can, once the bill is introduced, members can move amendments and also start applying their mind. Because we have only 2 days left. So we have to understand the importance. Aapka reader ne bola, Doraji, aapke ho yaar. He is capable. I heard him and also have taken it positively. So it's not, Anandji, it's not only that bill. There are two bills and one resolution also. Once they come before you, then you start reacting on that. Country is also taking note of the same, what is happening and all. It is the duty of the government to explain to the House. The Home Minister told me that he is going to explain it, and he says now itself he is going to explain it. Let us first hear him and let the bill also be moved, and then we discuss. Please, Bhaijay, you know. Aap Bhaijay, please, Kupaya. Aap Bhaijay, Sri Amit Shah, Honorable Home Minister. Nothing else will go on record other than Home Minister. Other than Home Minister, nothing else will not go on. Sabhapati Mahoday, Shivaji, please, bhaiye. Rangarajan, please sit down. Main aaj jo revise apna business ka list hai, uske andar aapne mujhe vyavastha di hai ki main do sankalp aur ek bill, jo printed bill rule business ke alawe main prastut karun. Main charo cheeze ek saath prastut karunga. Is par detail se charcha karenge. और उसके बाद में मैं जवाब भी दूंगा और चारों पर एक के बाद एक करकर डिवीजन करना है तो डिवीजन, मगर मुझे भरोसा है कि चारों चीजें पर एक सहमति हो जाएगी तो हम इस पर चर्चा करकर वोटिंग करेंगे. माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा कि कश्मीर की आज की जो स्थिति है उस पर चर्चा करनी चाहिए, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि चारों दो संकल्प और दो बिल जो लेकर आए हैं वो कश्मीर इश्यू पर ही है. उस पर आप अपना विचार रख सकते हैं. इस वक्त कश्मीर की आज की स्थिति पर भी रखिए, उस पर भी मैं जवाब दूंगा. अब मैं एक के बाद एक संकल्प और बिल, I have permitted the Home Minister, please. महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं. In my own wisdom, I have permitted. It's very important, serious issue. महोदय, it will come to you. One after another, it will come to you, please. महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन
अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक पढ़ा जाएगा।